support Sindhi content. Visit our new website now and enjoy all your favorite videos at one place. SindhTV.tv. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हक मौजूद अयमा सबनी के भलीकार चवां थी अवांजे पांजे प्रोग्राम सलाम सिन में हमेशा जिया अवांजे मेज़बान शाजिया करीम अवांजे खिदमत में हाजिर आया है मुसगर मौजूद आए आऊं ता जो मेज़बान निशा जागीर ने तानी खिदमत में हाजिर आया इन उम्मीद से इन दुआ से इन नेक तमन्ना से बिल्कुल ठीक ठाक हूं तो खैरियत से हूं तो मजे में हूं तो कुर्बाश हूं तो फुल एनर्जी में हूं तो हफ्ते जो पेरो नहीं आए लेकिन एनर्जी हो जनो गुरजे छो न हो जनो गुरजे छो तो इन से ता के एनर्जी जी तां गाल कई है एनर्जी चाय से मिलंदी है तानो क्लास अज वठणो है सही तरीके से पर पहिरे पाने व्यूअर्स के बुधाए तो जगे तां जी निंद बिना न फिटी है तवा वांगुर सब निंद में आए तो पोए अवा हिए कयो जो अवा पाने घरन में मुझे ख्याल में हाणे तो वठी आया हुंदो अवा सुरहाण प्रीमियम गोल्ड डस्ट तमाम बेहतरीन चाय जी पत्ती है उन चाय मतलब सुरहाण जी चाय जी तैयार थी है बाकी तो थक लाए छी है स्ट्रॉन्ग भी होंगी है कड़क भी होंगी है स्ट्रॉन्ग कड़क सागी गाल होंगे बस गाल सागी है पर ठीक है सो मां जी मुझे ट्रांसलेट कर छियास ना सो बहरहाल तमाम बेहतरीन चाय होंगी है जायको तमाम बेहतरीन होंगे है खुशबू तमाम बेहतरीन होंगी है कुछ देर में चाय असि बिल्कुल मिली बिल्कुल चाय से गुड गुड तवाज लाए इनाम भी आए 10 रुपये का वठी 10 लखन ताई जे इनाम आवा कटी सगो था आई तलाश आए उन खुश नसीब जी जें के मिलंदा 10 लख रुपये मुके 1000 रुपये मिलो उननी पति या वतम 1000 रुपये मने तो आन ता नी किस्मत आ 10 लखन ता निकरन जा ताई मां रोज मन चाय पिया तो रोज नई पति तो वठी जा 10 लख निकरन खटे खटे वठन दोस इंशाल्लाह इंशाल्लाह सो सुरहाण प्रीमियम गोल्ड डस्ट तमाम घना इनाम ताज ला खणी अची हुआ इन जो नालो ही हुआ हर पेक इनामी पेक हर इनामी पेक में इनाम जरूर आए पो इनाम केड़ो पे आए 10 रुपए जो आए 20 रुपए जो आए 50 रुपए जो आए 100 रुपए जो आए 10 लख रुपए तई जा इनाम आए 10 लख रुपए जने ताकि मिलदा सोचो ताजी जिंदगी की है तब्दील की है चेंज थी वेने सो जेके ने ता जा फर्ज कयो 50 रुपया 10 रुपया 50 रुपया एतरी रकम निकरे थी तो वो तमा के उते दुकानदार दे मतलब 5000 के घट जेके रकम आवा जी निकरंदी तो अच्छा, पो अमा दुकानदार का वठी सगु था पर जेके ने 5000 या 5000 का मथे का रकम निकरे थी तो पो हने जे अंदर एक कार्ड दिनल है उने कार्ड ते कुछ हिदायतों लिखलु आहन अमा के कंपनी सा राप्तो करनो पोंदो ए कंपनी अमा के वरी ओहा रकम लेनी ठीक है तो पो अमा जरूर चेक कर तो हन में अवां जे लाए केड़ो इनाम आहे घणन रुपयन जा अवां मालिक थिया आयो सो जे कने चाय जी पत्ती है उनका डबल रकम मिली वने तो चाय जी चाय इनाम जो नाम है वडी गाली है त मानु जी किस्मत जे कहन सा बदल जी सके थी जे चाय पिए डाडी जबरदस्त चाय या रिश्तन में नवा नाणे नवा रिश्ता जोड़े सुरहाण प्रीमियम गोल्ड डस्ट अक्सर अस चाय पी नयो तो पुने रंग के बिसन नयो जायके के बिसन नयो जे कने रंग सोनो हुंदो आ सुठो हुंदो आ अखिन के वणदण हुंदो आ तो कोई सोची नयो चाय डाडी जबरदस्त ठई हुंदी भली ठही हुंदी मजेदार ठही हुंदी इन चाय ठाण का माना ये पत्ती इस्तेमाल करना कर जैसे ताय ठाई तो उनको रंग निरालो थी पवो ए पकायदा वो रंग दिसण में ही वणंदो तो कोई चाय पी तो वधी बल्कि ता पैकिंग मा अंदाजो हणी सकदा ता पैकिंग केतरी खूबसूरत आए ओई भी अस जदी के जज कंदा तो पो जाहिरी होलियो दिसंदा उन का पो पहरो कमेंट अस पास कंदा तो ही इंसान की हुंदो सो ये तमा पैकिंग मा अंदाजो हणी सकदा ती चाय वाकई तमाम बेहतरीन आए कोप जो कुछ छापेल आए ना जितरी कड़क कई जितरी बेहतरीन चाय हते नजर पे छे ओतरी बेहतरीन चाय मा तैयार भी थिंदी आए ये सिर्फ अस गाली न था क्यों अमा आजमाए दिसो उन का पो अमा जरूर बुधाय जो चाय सुठी ठही या न ठही मुखे उम्मीद आए तो चाय तमाम बेहतरीन ठंदी तमा चाय जरूर ठाहे जो सुरहाण प्रीमियम गोल्ड डस्ट मा चाय जी चाय इनाम जा इनाम आई निंड पे मा जी फिटी विंदी खास कर सुबह जो कप जे करे बेहतरीन चाय न मिली वने ना वो मतलब सडियो डी बेहतरीन गुजरंदो चुस्ती अची विंदी आ जेकी सुस्त मानु हुंदे न चुस्ती विंदे फुर्तु थी विंदे सिंधी में चवंदे सो ता जे करे फुर्ती चायो ता चुस्ती चायो ता तो चाय जरूरी आ ऑफिस में मानु बोर थिंदो आ कने कने कम में थकावट थी विंदी आ थकजी पोंदा तमाम घणो तो तने में चाय जी बाड़ लगंदी आ चाय जा तमाम घणा मा शौकीन डिठा मानु चाय जा मवाली भी डिठा उन मवालन के लिए चाय के शौकीन के लिए माना मवाली प्यार में तो चवा मवाली हूं ना मजेदार जिंदगी जी
परे सारे इंतजार कयो फोन करे करे वेचारा परेशान था होयो काथे ताई खबर नहीं ना पुछे तो पोयो सवाल मा छो कया मुजी शादी थी वई ना बडी पेरा शादी थी हां ता त चयो पूरी टीम के इनवाइट कंदो स ई सबई बेचारे तकड़ तकड़ माइटन माना ई तकड़ तकड़ में शादी कराई छी मेहंदी काथे आ असा वट ई बाके हाथ पे थिपे छदी ना मेहंदी में मेहंदी खं बगैर ही शादी आई है नहीं ये तो मुमकिन ही ना है तो माना अमड हो जे पानी आस पूरी ना करे भेण हो जे पानी आस पूरी ना करे ई मेहंदी तो भेनन जी आस हुंदी है उम्मीद हुंदी है ई मतलब ता दिल ना था दुखाए सको गाल ये दो लवगा शरणायूं थियूं माना दमाम थिया काज थिया वडो माना माहौल आ ता मा छा बदाया ना सच बुदा शादी थी वही बस आने छा बताया मतलब थी वही तो थी वही आने छा तो कर सकते कूड़ तो ना है बाबा ने पेरी मतलब सच में पूरी जगह टीम है ना इंतजार में हुई था उन्होंने की पाण वचन कयो तो ता पूरी टीम के इनवाइट करनो ये तो धोखो असर असर ना ना धोखो ना है का धोखो है धोखो ना है ए सच्ची गाल ना है या अप्रैल पेरी अप्रैल आ तो मैं कुछ भी कह सका मैंने दिल में ना कह सर माने ता कूड़ है मजाक के कूड़ है मजाक में थोड़ा फर्क तिंदो माने ता की खबर ना है तो कूड़ ना न खपे कूड़ ना है मजाक के भोग के पर शुक्रा ता भोग कयो पर अजकल जेका मजाक थे पई जेके कूड़ हया पे वने न दिहाड़े ते पर मेहरबानी ई न कयो छो त मामूली कूड़ जे करे कने जिंदगी बनी सके थी कने हार्ट अटैक अची सके तो के बेचारे की कक बड़ी तकलीफ का परेशानी अची सके बिल्कुल सही था इने करे बराए मेहरबानी एड़न दिन के सेलिब्रेट न कंदा कयो जेसा के नुकसान थे बिल्कुल आए जेके का मजाक कयो था हल्की फुल्की हेड़ी किस्म की मजाक न कयो तो बेहतर है थी सके तो के दिल टूटी पई हो जे ए थी सके तो कोने के सीरियस वठे ता का नाराज थी फ्रांस से बादशाह मल्हायो हुयो सब यूरोप जो पोप हुयो इन गाल एतराज हो तो पहली अप्रैल नए साल जो आगाज पहली अप्रैल का जैसे पहली जनवरी का करण शुरू कर बिन्हीं धुर में तकरार थी पो पहली धुर हुई उनके यह गाल बिल्कुल भी सुठी न लगंदी हुई तो पहली जनवरी से नए साल की आयोजन कर ठीक है अस पे अप्रैल से कहंदी पे अप्रैल से कह उन चवंदा ये बेवकूफ़ है इनके अस चर बणाईंदी मानून में हलागुला कहंदी पेरी अप्रैल जो अप्रैल फूल तदें थो जैसे उन्होंने आवाम के बेवकूफ़ बनाने शुरू किया कें बेवकूफ़ न बनाया खास तौर पर जी शादी गाल कई कदें कदें सीरियस थी पा को स्टेटस छे दिंदा कदें कदें का अड़ी गाल कर वेठा जैसे वालदेन के तमाम घनी तकलीफ थी कल मुठा पे कुछ स्टेटस अड़ा भी हुआ जिनमें मानून तो पा के गोली तो हड़ा अज का इदारो छा तो अज का हिं तो क्या मुख्य या नौकरी नी वे इन दुनिया में खुश ना अल कड़े किस्म जहाँ स्टेटस हुआ इन अड़े किस्म की छो मतलब बाराणी छो था कर मेचोरिटी छो ना तमें ही दी बराल असा के न मलाण गुरजे असा वटे बिल्कुल सही गले त जिकरे असा खास करके सेलिब्रिटीज एड़े किस्म जा कम कन था त सो फॉलोवर्स अगेन ता के भले न खबर हो जे ता के चार मानु फॉलो न था कन पर ता के थी सके तो ब मानु फॉलो कंदा हो जने जिकरे ओहा ओहे मानु अवा जी उन गाल के वड जाइन था त सोचो केतरी खराब गाल है त बराए मेहरबानी थोरा मैच्योर थियो बाराणी जिके हरकतू आ न ओहे न कयो इन वाले से एकरो हादसो भी थियो त के पुट पानी मां के फोन करे चयो त बाबा जो एक्सीडेंट थी पियो है आई वो जो है वो आईसीयू में आई बचन जोगी हालत में ना मैज उन अप्रैल फूल सेलिब्रेट कयो पर उन मां के उते हार्ट अटैक अची वियो उन जी डेथ थी वई त खुदारा एड़े किस्म जो को भोग न कना कयो काड़ी मजाक न कना कयो जें दे करे को वडो हादसो थी पए उन खा पो अवा उन जो हर जानो भरे न सगो त इन करे हल्के फुल्के मजाक पर मजाक भी कनी बे टाइम ते कनी करे जो मजाक एड़े किस्म जी करणी न गुरचे जैसा थोरो वक्त ही मनो परेशान थे परेशानी छोड़ी जे मनो अरबरू जी या परेशानी खुशियों दियो टक विखेरियो का एड़ी जबरदस्त गाल कयो जैसा को मनु के बे दिल जे खाने में अची बने माना इयो स्टेटस हणी सको था बजाय सोसाइटी जे जाए तो बाबा मा शादी तो क्या कहानी सारी सो सही छे पर मयारू मनु नींदो पर एड़े किस्म जी मजाक ने कयो जी कोई लिखे तो बाबा फलाणो खान गुजारे हो मनु चादर अदरक वठी पोछो एड़े किस्म मजाक ने कयो प्लीज पर एकड़ी गाल वरी बी पे थव अजो के डी जो एकड़ो एक माना ही मा चवा तो ये न करन गुरजे पर अजो के डी मनु ये भी कंदा दिल की गाल करे विंदा तव तरीके सा पो हाने जकने कोई समझे तो ठीक आ न समझे तो अप्रैल पूला भला सही पर वरी बिछो तो ये असन डहाड़ो नाई वो असन जे मजहब में बिना गाल के सख्त ना पसंद कयो बिल्कुल कूड़े मानु के पसंद ही न कयो बिंदु आए त इन करे एड़ी एड़े के भी डी के या एड़ी के भी शय के हथी न जण खपे असन जे का इंटर जनरेशन आए वो भी सागे नक्शे कदम ते हले ए उन खा पो मतलब सच्चाई कूड़ जो को फर्क आए वो ही खत्म थी वे मानु को कूड़ गाला उन खा पो जे मा तो अप्रैल फुल सेलिब्रेट पियो के माने सच्चाई जे का न वो भी लिखी वने त प्लीज एड़े किस्म जे के भी डी के भी इवेंट के
अवां हथी न ॾियो ऐं असां बि न ॾींदासीं. बिल्कुलु बिल्कुलु. हाणे ब्रेक वठां मां? बिल्कुलु. इहो सच में त अप्रैल फूल न आहे. न, मूंखे पक अचे थो ब्रेक जो टाइम थियो आहे. असां जाम ॻाल्हाए चुका आहियूं. सुबराल अप्रैल फूल न मल्हाइणु घुरिजे. नंढड़ी साई मुंहिंजो केॾां में असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध. जी व्यूवर्स, हिकु भेरो ॿीहर मां सभिनी खे सलाम सुन में दिलि जे तमामु त गहराइनि सां भलीकार चऊं था. ऐं सुरहाण जी बहितरीन चांहि सां गॾु असां ऑनियर आया आहियूं. तव्हां चांहि पीअण में मसरूफ़ हुयो, मां चयो हाणे डिस्टर्ब करणु ठीकु न आहे, पाण ई कम खे अॻिते वधाइजोसि, हिन करे मां ऑनियर अची वियमि. बरहाल चांहि कीअं? ॾाढी ज़बरदस्त चांहि आहे. सिंध जो शान, सिंध जी सुरहाण. तव्हां जेकॾहिं करे नाए पीती चांहि त पीउ ॾिसो. ऐं ज़बरदस्त चांहि, ज़ाइको ॾाढो ज़बरदस्त आहे. ऐं ठही बि ॾाढी ज़बरदस्त चांहि आहे. ऐं पती जॾहिं सुरहाण जी हुजे त पोइ चांहि यकीन सुठी ठही आहे. इन ॻाल्हि में माना गारंटी सम्झो. बिल्कुलु. ऐं हीअ आहे सिंध जो शान, सिंध जी सुरहाण. नवां रिश्ता जोड़े त नवां रिश्ता असां बि हमेशह कोशिशि कंदा आहियूं त जोड़ियूं. ऐं असांजा जेके महिमान ईंदा आहिनि उन्हनि सां बहितरीन कचहरी ऐं अवां ताईं उन्हनि जो जेको हवालो हूंदो आहे उहो पहुचाइणु. ऐं मां चवंदी इन सभु सां बि हिकिड़ो नओं रिश्तो जुड़ंदो आहे. बिल्कुलु. असां पंहिंजे महिमाननि खे बिल्कुलु मान ॾींदासीं, पर उनखां पहिरियों हैदराबाद वरी वञो पिया. बिल्कुलु. आउं त हैदराबाद ई वञा पियो अॼुकल्ह सॼी सिंध घुमां पियो. अच्छा, हाणे ॿुधायो त 13, 12, 13, 14 ऐं सिंध टीवी तमामु घणी ज़बरदस्त हिकिड़ी तव्हांजे लाइ ख़ुशख़बरी खणी अची रहियो आहे. 12, 13, 14 ते राणी बाग में पाण मिलूं पिया. सिंध टीवी फेस्टिवल थिए पियो, हर साल थींदो आहे. तव्हां हर साल ईंदा आहियो, तव्हांखे ख़बर आहे त उते केॾो मज़ो हूंदो आहे, केतिरो फन हूंदो आहे, केतिरो पाण इंजॉय कंदा आहियूं, केतिरो लुत्फ़ अंदोज़ थींदा आहियूं. सिंध जा ज़बरदस्त फनकार ऐं चोटीअ जा फनकार उते पंहिंजे फन जो मुज़ाहिरो कंदा आहिनि. इन खां सवाइ ॿारनि जे लाइ तमामु घणियूं शयूं उते मौजूदु हूंदियूं आहिनि. शॉपिंग करे सघो था. ॿारनि जे लाइ फूड कोर्ट्स आहिनि, प्ले एरियाज़ आहिनि. चांहि बि उते पीअंदासीं, मज़ेदार उते खाधा खाईंदासीं. राग रंग चाट, गोलगप्पा ऐं छोला, इलाही अहिड़ी क़िस्म जूं शयूं, बिरयानी, मतिलबु स्ट्रीट फूड जेके लवर्स आहिनि उन्हनि जे लाइ त अञा वधीक बहितरीन आहे. तव्हांखे राणी बाग में सभई शयूं ॿाहिरि जूं मिली वेंदियूं. इलाही बहितरीन, मतिलबु ज़ाइकेदार बि हूंदियूं, सिहत बख़्श बि हूंदियूं. वरी औरतुनि जा ज़ेवर बि हूंदा ऐं ॿिया बि काफ़ी स्टॉल्स हूंदा. इन करे अव्हांखे कोठ ॾियूं था, अव्हांखे दावत ॾियूं था त 12, 13 ऐं 14 अप्रैल ते अव्हां हलिया अचो पंहिंजे फैमिली सां गॾु. ॿारनि खे बि वठी अचो. ज़ेवर बि होंगे, शोहर बि होंगे, देवर बि होंगे. तव्हां सभु अची सघो था. जेकी बि हैदराबाद ऐं उनजे वेझड़े वारे इलाइक़नि में रहो था, 12, 13 ऐं 14 तारीख़ यादि रखी छॾियो. उते ॿारनि जा झूला बि आहिनि, ॿारनि जे लाइ तफ़रीही प्रोग्राम आहे, रंगारंग म्यूज़िकल शो बि आहे. 3 ॾींहं ऐं 3 ॾींहं आउं बि तव्हां सां गॾु हूंदुसि. मुंहिंजी शायरी बि तव्हां ॿुधंदव ऐं आउं तव्हां सां कचहरी बि कंदुसि. शादीअ बि हूंदी ऐं चांहियूं बि गॾिजी पीअंदासीं, सेल्फियूं बि निकिरंदियूं ऐं तमामु घणो क्राउड अचण वारो आहे. एंजॉय कंदासीं, एंजॉय कंदासीं. सो पाण बि अॼु पंहिंजे फैमिली सां गॾु अॼु ही 3 ॾींहं जेके आहिनि उहे तमामु बहितरीन इनशाला इनशाला हर साल जीअं साबित थींदा. ऐं अवां सभई तमामु घणो इंजॉय कंदो. ऐं सिंध टीवी जी पूरी टीम, बल्कि तमामु जेतिरा बि असांजी इंडस्ट्री जा आर्टिस्ट आहिनि, उहे बि तक़रीबन उन मेले में मौजूदु हूंदा. त पंहिंजे मनपसंदि फनकार सां, पंहिंजे मनपसंदि आर्टिस्ट सां अवां मिली बि सघो था. ऐं अहिड़ा मौक़िया वरी या हर हर न आहिनि मिलंदा. इन करे अवां हीउ जेको मौक़ो आहे हिनखे विञायो न, पंहिंजे हथनि मां त बिल्कुलु न वञणु ॾियो. सो यादि रखी छॾियो 12, 13 ऐं 14 अप्रैल. ठीकु आहे. ऐं सभिनी दोस्तनि खे, सभिनी अदियुनि खे, सभिनी ॿाहिरनि खे गुज़ारिश कयूं था सभु अचनि. ऐं सिंध टीवी जा समूरा जेकी बि असां सिंध टीवी ते नज़र ईंदा आहियूं, तव्हांखे जेका बि आर्टिस्ट जी, जेकी आर्टिस्ट जी सॼी टीम आहे, मश्करनि जे ॻोठ वारा बि उते ईंदा ऐं असां बि हूंदासीं. बिल्कुलु. मतिलबु उहा टीम जेका तव्हांखे स्क्रीन ते नज़र ईंदी आहे, उहा टीम जेका स्क्रीन ते नज़र न ईंदी आहे, मतिलबु पसे पर्दा जेका असांजी टीम आहे, जिन में असांजा डायरेक्टर्स अची था वञनि, टेक्निकल स्टाफ जा माण्हू अची था वञनि, तक़रीबन माण्हू उते मौजूदु हूंदा. त जंहिंसां बि मूंखे मिलण जो शौक़ु आहे, उन जे करे मां ज़रूरु हुन मेले उते. इहा ॻाल्हि न आहे त इरशाद नथो अचे, आउं न ईंदुसि. शाज़िया मुंहिंजी फेवरेट आहे, आउं उहा नथी अचे त आउं न ईंदुमि. सभु अचनि, माना जेका बि तव्हांखे सेलिब्रिटी वणे थी उन सां अची मिलो. ऐं पूरी टीम सॼी असां सां गॾु हूंदी, न्यूज़ टीम बि हूंदी.
न्यूज़ वारा भी तक हूँ न्यूज़ कास्टर भी तक खबरू पढ़ते उनके रूबरू ऐसी फिलहाल मेहमान की आजियां कंदासी मेहमान नवाज मानू आयो यदि चाय जो जिक्र थींदो आहे त मेहमान नवाजी जो जिक्र बिल्कुल मेहमान पंहिंजे अंगण ते ईंदा रहंदा आहिनि अॼु बि अंगण ते कई आया ऐं असांजी भागवंदी ख़ुशबख़्ती आहे जो अॼु बि तमामु ज़बरदस्त कचहरी थियण वारी आहे ख़ासि तौर ते पाण एजुकेशन खे फोकस कंदासीं त तालीम पंहिंजी सिंध जी ऐं नाएं ॾहें जा इम्तिहान में शुरू थी विया आहिनि अॼु खां उन ते बि थोरो ॻाल्हाईंदासीं मेहमान केरु आहिनि तारीफ़ कराए बिल्कुलु पहिरीं जेका शख़्सियत आहे जंहिंसां मुंहिंजी मुलाक़ात कराइण वारी आहे माशाल्लाह एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर आहिनि सेवन न्यूज़ उनखे अलावा प्रेसिडेंट ऑफ ज़ी इंटरनेशनल अप्लाइड एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर सां उनजो तालुक़ु आहे ऐं उनखे अलावा फाउंडर आहिनि ऑन पाकिस्तान जा जेको फ्री एजुकेशनल प्रोग्राम्स फरहाम कंदो आहे ऐं उनखे अलावा पंहिंजी बहितरीन कारकर्दगी जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ शोबनि में मुख़्तलिफ़ अवॉर्ड्स बि माणे चुका आहिनि जेका यकीन हिकिड़े माण्हू जे लाइ वॾी हिकिड़ी ख़ुशबख़्ती जी ॻाल्हि हूंदी आहे त उनखे पंहिंजी जेका हू कारकर्दगी करे थो जेका महिनत करे थो उनजी मञता मिले उनखे अवॉर्ड्स मिलनि त उन हवाले सां उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं यूथ जे हवाले सां तमामु घणो कमु कनि पिया ऐं सोशल सरगर्मियुनि में माशाल्लाह एक्टिव आहिनि सो तालीमी ऐं सोशल जेके सरगर्मियूं आहिनि उन हवाले सां उन्हनि सां कचहरी कंदासीं भली कार चऊं था मिस्टर ज़ीशान अल्ताफ़ साहब खे अस्सलामु अलैकुम जी वालेकुम सलाम कैसे मिजाज हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी ब्लेस्ड सर माशाल्लाह इतने सारे काम किए कुछ रह तो नहीं गए रह तो जाते हैं लेकिन आपको कंटिन्यू बेसिस पे काम करने पड़ते हैं तो आपका एम एज अ लीडर एज अ यू नो एंटरप्रेन्योर हमेशा आप एक सोच लेके चलते हैं कि मुझे वहां पहुंचना है मुझे कुछ करना है सिर्फ अपने लिए नहीं पाकिस्तान के लिए कुछ करना सही, है सही, अपनी सही। फैमिली के लिए कुछ करना है अपने रिलेटिव के लिए कुछ करना है तो वो एक सोच आपको आगे बढ़ाती रहती है तो इसी तरह जैसे आपने एजुकेशन की बात की इनफॉर्मल एजुकेशन की बात की या ओन पाकिस्तान की बात की तो हमारे सारे वेंचर साथ साथ चल रहे हैं और विदाउट टीम इट कांट बी पॉसिबल जब तक आपके पास एक अच्छी टीम ना हो आप ये अचीवमेंट नहीं डायरेक्टर लिटरेसी नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिंध अगुणा चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ़ सिंध रहा डायरेक्टर मिनॉरिटी सिंध अगुणा अगुणा ईडीओ एजुकेशन कराची छट्टो अगुणा डायरेक्टर एजुकेशन कराची स्कूल सेक्रेटरीज में मुख्तलिफ़ उहिदनि ते रहंदड़ सेक्शन ऑफिसर डिप्टी सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी ऐं हिन वक़्तु जेका उन्हनि जी पोज़ीशन आहे उहे आहे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन प्राइमरी मीरपुर ख़ासि आहिनि भलीकार चऊं था अब्दुल वहाब अब्बासी साहिब खे ऐं वॾा वॾा मुंहिंजा मां पंहिंजो ख़ासि वक़्तु ॾिनो आहे ऐं उन खां पोइ वरी लाज़िम आहे कचहरी सां गॾोगॾु जेकॾहिं मौसीक़ी न हुजे त पोइ लॻंदो आहे त प्रोग्राम में हिकिड़ी खोट रहिजी वई वरी जेकॾहिं उस्ताद ख़ान साहिबु बादल राही जो आवाज़ु हुजे त है है मतिलबु मज़ो अची वेंदो तव्हांखे तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे पर वरी भलीकार असां ई चवंदा आहियूं कॾहिं तव्हां बि असांखे मिड़ी चई छॾींदा कयो परे खां ईअं सॾु ॾेई छॾींदा कयो बहरहाल उन खां पोइ वरी आसिफ़ अली साहिबु मौजूदु आहे उन्हनि खे भलीकार चऊं था ऐं अवांजो माशाल्लाह हाणे त पुराणो दोस्त थी वियो आहे सवा ॿिन्ही खे भलीकार चऊं था वॾा वॾा मुंहिंजा सो ॻाल्हि ॿोल खां पहिरियों शुरूआति कजे सर ज़ीशान साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि सेवन न्यूज़ में माशाल्लाह आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तो कुछ एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेंगे आप प्लीज ये अभी हमने एक्वायर किया है सिंध के सारे राइट्स हमारे पास हैं सिंध में काम करना चाहते हैं अच्छा। मीडिया के हवाले से एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जिसमें एजुकेशन को लेके इसमें तालीमी सरगर्मियाँ दिखाई जाएं और दूसरे अवेयरनेस प्रोग्राम हो क्योंकि मीडिया की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप ये सोशल वर्क भी करते हैं और लोगों को हंसाने का और जैसे मैं अभी सुन रहा था कि मेरा भी शौक उजागर हो गया कि मैं खुद आऊँ रानी बाग और ये प्रोग्राम अटेंड करूँ जिसमें मजे मजे के फूड होंगे जी जी ज़रूर ज़रूर मुझे तो अभी आप अभी अभी पता चला ही है तो इस किस्म के प्रोग्राम्स होने चाहिए और ख़ास तौर पर जैसे मैंने आपको बताया एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिससे मुल्क की तकदीरें बदल जाती हैं और इसी तरह काम करेंगे एजुकेशन में ख़ास तौर पे मीडिया में आके हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छी तालीम दें अच्छी तरबियत दें अच्छी सोच के साथ आएँ लोगों को अच्छे प्रोग्राम
فراہم کریں, خاص طور پہ جیسے مارننگ شو ہے آپ کا, اس میں ہنسی مذاق بھی میں دیکھ رہا ہوں, اور میوزک کا بھی انصر آپ نے رکھا ہے کہ مارننگ میں ہی آ کے لوگوں کو انٹرٹین بھی کیا جائے اور لوگوں سے ملایا بھی جائے. یہ بہت اچھی چیز ہے. ہم نے چائے بھی رکھی ہے, سرحان چائے, یہ پی کے میں نے دیکھا کہ چائے کیسی لگی آپ کو. سر آپ تو ماشاءاللہ اتنے کام کرتے ہیں, آئی تھنک چائے تو آپ سب سے زیادہ پیتے ہوں گے. اچھا چائے میں بہت کم پیتا ہوں, مطلب پہلی بار ایسا ہوا کہ میرا دعویٰ جو ہے وہ غلط ثابت ہوا. جی جی, گرین ٹی زیادہ پیتا ہوں میں, ہربل ٹی جسے بولتے ہیں, منٹ لیمن اینڈ ادرک ڈال کے. چائے بتائیں مجھے, چائے تو چکے بتائیں چائے کیسی ہے. خیر ہماری مہمان نوازی تو قبول کرنی پڑے گی. جی جی بالکل بالکل, ہم کسی کو نا نہیں کر سکتے. چائے کیسی ہے, یہ ہماری ایک وہ ہے, سخاوت بھی ہے. واہ واہ, چائے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں میں کب سے سر. بہت اچھی ہے جی, بہت اچھی چائے, صحیح. واہ واہ, اب لوگ ہمارا چائے کا یہ پرے پرے آئے, چائے چکی ضروری آئی صحت کے لیے, کچہری میں مزو کندی ہے چائے. ماں تے ڈٹھو ہے تے ماں سر پڑھائی دے دوران ہی بکو پ ہوندا تن چائے نہ تے کڑو مگو ہوندو تن وڈو. ہاں بس یہ نارمل ٹرینڈ ہے, ٹرینڈ ہے, مطلب چائے کا بنا لگندا تے لیکچر انکمپلیٹ آو. صحیح ہے, صحیح. چائے ڈکوڑو تے کچہری کیوں. چائے کی لگی تا کہ خوشبو کی ہے لدی, چائے کی ہے ماشاءاللہ, مزیدار چائے ہے. زبردست, واہ واہ, صحیح. عبد الوہاب عباسی صاحب, چھا حال والا بلا تعلیم جو کیے پیو لے کار میں بس تعلیم بس کوشش کیو پیا استاد ایڈمنسٹریشن والا سب ملی کرے جے گا سسٹم کے بہتر کرنے کی کوشش کیو پیا. سائیں سردار شاہ جی صدرائی میں سائیں کے سٹھو بھی انا سائیں سٹھو کم کرن چاہے تو جو صحیح 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 سائیں جی پانجا جے کے لفظ آیا تو وہ چاہے تو ما انقلاب آنے ہے جو تو ان کوشش کی یا انیشیٹو وتا انشاءاللہ تھوڑے وقت میں سٹھے چینجز نظر. انشاءاللہ انشاءاللہ گالگول کے ساتھ تے ودھینا سی کچھ تعلیمی حوالن سے کچہری کندا سی, پر وقت ہے تے مختصر ساہیے جو اما کے بدھینا نو ہے پروگرام اما سبنی جلا پیش کے پر منے سرحان پریمیم گولڈ 10 وارن دے تاون سا ملوں تھا مختصر بریک ہم پر اسنا رہ جو سلام سندھ مجھے سندھ کے سلام سلام سندھ مجھے سندھ کے سلام سلام سندھ سلام سلام سن مجھے سندھ کے سلام سلام سن. سلام سندھ میں ایک بھیرو وری تاکہ بھلی کار ہے, ایک بھیرو وری تاکہ بدائیوں تا جو کو پروگرام سرحان پریمیم گولڈ ڈسٹ تاون سا تاں جی خدمت پیش کے پے ونی, ایکڑی بی گال وری تاکہ وہ بھی بدائیوں, ہے وہ گالی ہے 12 13 14 تاریخ تے 12 13 14 تاریخ تے تاں کے چھنا ہے رانی باغ حیدرآباد سن ٹی وی جو رنگا رنگ فیسٹیول تھن وارو ہے, جے میں سنجا مایا ناز فنکار زبردست فنکار جن کے تاں بدندا ہو جن کے تاں دسن چاہیندا ہو جن ستاں ملن چاہیندا ہو سن ٹی وی جا سمورا سٹار سمورا اداکار اسیں شازیہ کریم ارشاد جن بوتے ہوندا سیں کچہری کنداسیں پلے ایریاز بھی آہن بارن جے لائے ایں خاص طور تے ذائقے دار مزیدار کھادا بھی آہن فوڈ کورٹ سائیں انوائرمنٹ جی ہر شے اوتے موجود آہے تو پما کے کوٹ دیوں تھا تاں ضرور اوتے اچو ایں شامل تھیو پانے من پسند اداکارن فنکارن کلاکارن سا ملو ایں پانے جے کے ٹریڈی آہن زندگی جا ان کے بہترین ایں بھرپور ٹھایو. بالکل جمعہ چھن سراچر ڈیے پیڑا ہے, بالکل ڈیے پیڑا ہے موکلو ہوندے ہیں تقریبا. سو ان کرے فیملی سے گڈ جو پانے لیکن نڈڑا پتکڑا بارن ان کے بھی وٹھو جو تاں کے ہوں چندا تو بارن کے چھڈے اجو چھو تو تاں انجوائے نہ کرے سکدو, پر بارن کے وٹھی جو ان کے لیے پلے ایریا بھی ہے, ہوتے بار تمانے کھیلی بھی سکن تھا ائی کہ ہکڑے کے سارا سنبھال جڑا رکھی باقی تاں وزٹ کرے سکو تا پورے میلے کے. سو بہرحال گال بول کے سکتے ودے نا سی ساہی تے ونن کا پہروں گال بول ہلے پئی اساں جی ایئر کنڈیشن اسکول ہیں, ساری دنیا جہاں کی فیسلٹیز موجود ہیں اس میں, لیبس بھی ہیں, سائنس لیب, کمپیوٹر لیب, سوئمنگ پول تک موجود ہیں ادھر اسکول کے اندر. جی اسکول کے اندر, تو اٹس اے کمپلیٹ پرپز بلڈ کیمپس ہمارے, تو اسی کیمپس میں رہتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ہم یہ انڈر یوٹیلائز ہیں, صحیح, تو اس کو یوٹیلائز کس طرح کیا جائے. جو باہر بچے بھیک مانگتے ہیں, کچرا چنتے ہیں, جو نہیں پڑھ سکتے, جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس طرح کہ جو روڈوں پہ پھرتے ہیں, جو بلڈنگ کے قریب بھی نہیں آ سکتے, یہ ڈر سے کہ گارڈ کہیں ان کو بھگا نہ دے, ڈانٹ نہ دے, ان کو قریب آنے نہ دے, تو ان بچوں کو ہم اسکولس کے اندر لے آئے آفٹرنون میں, تو ان کو ہم پڑھا رہے ہیں, ٹرانسپورٹ سے لے کے ایوری فیسلٹیز ہم دے رہے ہیں ان میں, بکس تک ان کو یونیفارم ان کو لے کے آ رہے ہیں, اور اسی ویسینٹی میں وہیں پر جہاں ایک امیر کا بچہ پڑھتا ہے صبح, جو پیسے دیتا ہے
भारी रकम जिसे बोलते हैं फीसों कीमत में, तो उधर ही ये गरीब के बच्चे पढ़ते हैं जो भीख मांगते हैं। आज भी आपको ये फ्लावर्स बेचते हुए नजर आएंगे रातों को खटकाते हुए, और इनको हम पढ़ा रहे हैं बल्कि भीख मांगते हुए नजर आते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल अफसोस के बच्चे यतीमों वाली जिंदगी। लेकिन ऐसे बच्चे तो बहुत सारे मतलब देखने को मिलते हैं, लेकिन आप चुनाव कैसे करते हैं? देखिए, हमने हर एक अच्छी वैसिनिटी के साथ ये स्लम एरियाज होते हैं जहाँ पर इनकी सोसाइटी ये लोग रहते हैं, ठीक है, जिनकी मदर्स माली ये घरों में काम करती हैं मासी के तौर पे, अच्छा, या दूसरे काम करती हैं, और इनके वाले साहब कोई माली होंगे कोई कुछ होंगे, और बच्चों को भी लगाया हुआ इन्होंने, या ये भी भीख मांगते होंगे जो उनके पेरेंट्स हैं। तो इस फैसिलिटी में हमारी ड्राइव जाती है, ड्राइव करते हैं, इनको समझाते हैं कि एजुकेशन से क्या फायदा होगा आपके बच्चे को, आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, आप भले ये जो काम करा रहे हैं अभी बच्चों से कराते रहे, उसको स्टॉप करेंगे तो आप कभी भी नहीं आने देंगे। तो एक ये भी हमारे ध्यान में चीज थी, हम चाहते हैं इनके अंदर इतना शऊर ले आए कि ये एंटरप्रेन्योरशिप की कॉन्सेप्ट में आ जाए, जो फ्लावर्स बेच रहे हैं खटका के ना बेचे, एक छोटा सा स्टॉल इनको लगा के देते हैं आगे फ्यूचर में जाके कि लोग इनके पास चल के जाएं। जब आप बेचने जाते हैं चीजें कुछ और तरीके से बिकती हैं, जब सही सही लोग आपके पास चल के आते हैं तो आपके एटीट्यूड्स आपके ट्रेड्स अलग हो जाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मजरूह नहीं, एक सेल्फ रिस्पेक्ट शुरू हो जाती है, एक रिस्पेक्ट होती है, और ये तालीम के बगैर नहीं आती, तालीम जरूरी है। तो इनको हम फिर मैंने आपको बताया वहाँ ड्राइव की, इनको समझाया, इनको फिर स्कूल बुलाया इनके पेरेंट्स को, उन्होंने आके देखा माहौल ये माहौल है जिसमें ट्रांसपोर्ट भी मिलेगी, हर चीज मिलेगी, और बच्चे फिजिकल एक्सरसाइज में भी वो हो जाएंगे, जिमनास्टिक टैकोंडो भी मिलता है इनको, स्विमिंग भी मिलती है, क्रिकेट खेलने को मिलता है, फुटबॉल भी मिलता है, लैब भी इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर लैब भी इस्तेमाल करते हैं, सारी फैसिलिटीज वो इस्तेमाल करते हैं जो मैंने आपको बताया ना मॉर्निंग में होती है। तो फिर इनका इन्होंने इनको ड्राइव की, इनको समझाया, तो अब हमारे पास माशाल्लाह 50 बच्चों से ज्यादा हो गए जिनको हम लेके चल रहे हैं, और इनको फिर हम सोच रहे हैं जब ये इस काबिल हो जाएंगे, इस मेयार के पास आ जाएंगे, तो इनको हम स्कॉलरशिप देके मॉर्निंग प्रोग्राम में ले आएंगे इंशाल्लाह। जैसे ये हमारा वाक्य कहाँ है? हमारे स्कूल अभी भाद्रपाद के एरिया में वाक्य है। अच्छा, वहाँ पर स्ट्रीट चिल्ड्रन जो है वो बहुत ज्यादा पाए भी जाते हैं जी, अब कराची में तो हर जगह ही मिलेंगे आपको। लेकिन ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पर ये सिग्नल्स के गाड़ी का शीशा साफ कर लिया, गाड़ी के शीशे साफ कर रहे होते, तो यहाँ पर मुझे लगता है की बहुत ज्यादा पाए जाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, तो हमारी कोशिश रहेगी एज एजुकेशन हम किसी की मदद कर दें, और हमारी बिल्डिंग अंडर यूटिलाइज है। अभी इमरान खान साहब को भी हमने एक प्रपोजल दिया की ये आप जो तालीमी इदारे बनाने जाएंगे तो करोड़ों रुपया चाहिए आपको गवर्नमेंट स्कूल्स को इस मेयार पे लाने के लिए। सही। फिर अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स कहाँ से लेके आएंगे? ये बहुत बड़ा एक आंसर है। फिर तीसरी प्रॉब्लम है एक तालीमी निजाम, तो मैं 2 साल से मैं इसमें हूँ और काफी टीवी चैनल्स में मैं बैठ के बोल भी चुका हूँ, एक तालीमी निजाम चाहिए पूरे पाकिस्तान का। आप इंडिया में चले जाएं, आप श्रीलंका में चले जाएं, आप दूसरी जितनी कंट्रीज में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, आप कनाडा चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, एक तालीमी निजाम है उधर। हमारे यहाँ हर सूबों का अलग 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 तालीमी निजाम है, बल्कि हमारे तबकात बटे हुए हैं, यहाँ तो गली गली में अलग ही सिस्टम है, और उसको भी मॉनिटरिंग उस मेयार पे नहीं हो रही जिस मेयार पे होनी चाहिए। अब हम सोच रहे हैं, हम देख रहे हैं कि तब्दीली आ रही है, चेंजेस आ रही हैं, तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेटरमेंट। लेकिन जो खास तौर पे मैंने आपको बताया एक तालीमी निजाम होना चाहिए, फिर वक्त भी चाहिए इनको अपडेट करने के लिए स्कूल्स को, फिर उसको मेंटेन कैसे करेंगे इतने सारे सिस्टम्स को। तो अगर ये प्राइवेट स्कूल्स की हेल्प ले लें जो कि अंडर यूटिलाइज बिल्डिंग है जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है, तो उसमें ये बच्चे काफी हद तक मिलियन से ज्यादा बच्चे हम इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक सही बड़ी अच्छी बात आपने कही। आई सर भला गवर्नमेंट जो सिलसिलो है तालीम के हवाले से ऐसा डिठो है तो तबकात में असि विरायल है तालीम, मतलब मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, अपर क्लास है, तो तालीम तो एक बुनियादी हक है, तो यह क्लास में विरायल छो है गवर्नमेंट जी ते आईन असो 73 जो मालूम हो तो भुट्टे साहब जो आइडिया ही जो नेशनलाइज स्कूल थे वो बीएम के सही नमूने से एक्सप्रेस न करो हो तो सब स्कूल एक सिस्टम में अचन स्कूल गवर्नमेंट जी स्कूल एजुकेशन जड़ी दींदा एवरीवेयर हर पैरामीटर में पंजाब के दिसो सिंध के दिसो बलूचिस्तान के दिसो या केपीके के दिसो तो वो सिस्टम जो है गवर्नमेंट सिस्टम वो एकड़ो ही है।
रोशनी विझूं था अॼोको प्रोग्राम यकीन तव्हांजे लाइ कारायतो आहे तव्हां केॾां बि न वेंदो अॼोको प्रोग्राम में असां सलामन कयो आहे सुराण प्रीमियम गोल्ड डस्ट वारनि ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध मिलूं था नंढड़ी ईसाईअ खां पोइ सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार ऐं हिकु भेरो वरी तव्हांखे ॿुधायूं त अॼोको प्रोग्राम सुरहाण प्रीमियम गोल्ड डस्ट जे तावन सां तव्हांजी ख़िदमत में पेश कयो पियो वञे ऐं हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि वरी तव्हांखे उहा बि ॿुधायूं ऐं उहा ॻाल्हि इहा आहे त 12, 13, 14 तारीख़ ते तव्हांखे अचिणो आहे राणी बाग हैदराबाद सिंध टीवी जो रंगारंग फेस्टिवल थियण वारो आहे जंहिंमें सिंधा माया नाज़ फनकार ज़बरदस्त फनकार जिनखे तव्हां ॿुधंदा आहियो जिनखे तव्हां ॾिसणु चाहींदा आहियो जिन सां तव्हां मिलणु चाहींदा आहियो सिंध टीवी जा समूरा स्टार समूरा अदाकार असीं शाज़िया करीम शाज़ा उते हूंदासीं कचहरी कंदासीं प्ले एरियाज़ बि आहिनि ॿारनि जे लाइ ऐं ख़ासि तौर ते ज़ाइकेदार मज़ेदार खाधा बि आहिनि फूड कोर्ट्स आहिनि एन्जॉयमेंट जी हर शइ उते मौजूदु आहे त पोइ मूंखे कोच ॾियूं था तव्हां ज़रूरु उते अचो ऐं शामिलु थियो पंहिंजे मनपसंदि अदाकारनि फनकारनि कलाकारनि सां मिलो ऐं पंहिंजा जेके टे ॾींहं आहिनि ज़िंदगी जा उनखे बहितरीन ऐं भरपूर ठाहियो बिल्कुलु जुमो छंछरु आचरु ॾींहं भेण बिल्कुलु ऐं ॾींहं भेण आहिनि मोकिलूं हूंदियूं आहिनि तक़रीबन सो इन करे फैमिली सां गॾु अचो पंहिंजा जेके नंढड़ा पितकड़ा ॿार आहिनि उन्हनि खे बि वठी अचो तव्हांखे हूअं चवंदा की भाउ ॿारनि खे छॾे अचो छो त तव्हां इंजॉय न करे सघंदो पर ॿारनि खे वठी अचो उन्हनि जे लाइ प्ले एरिया बि आहे हुते ॿार तव्हां खेॾी बि सघनि था ऐं कंहिं हिकिड़े खे सार संभाल जे लाइ रखी बाक़ी तव्हां विज़िट करे सघो था पूरे मेले खे सो बहिराल ॻाल्हि ॿोल खे असां अॻिते वधाईंदासीं साही ते वञण खां पहिरियों ॻाल्हि ॿोल हले पई असांजी वाहब साहब सां सर तबकाती निज़ाम ते ॻाल्हि ॿोल हले पई तव्हां सही था चओ त मॉनिटरिंग ऐं असांजी जेकी आहे प्रॉपर सिस्टम खे सही नमूने सां न पियो हलायो आहे गवर्नमेंटल सिस्टम इहे सॼी जेका पर हाणे गवर्नमेंट जा जेके बि स्कूल आहिनि उन्हनि में सिस्टम हिकु ई आहे असां जेके तबकात नज़र अचनि था उहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स ऐं प्राइवेट स्कूल्स में जेकी सिस्टम आहे को स्कूल तव्हांखे अहिड़ो बि मिलंदो जिते फीस 50 rupees आहे पर मंथ किथे वधि तव्हां फीस उहे बि स्कूल ॾिसां 50,000 पर मंथ फीस इहे तबका थी विया वती त हाणे इहो जेको उन टाइम जेको असां कॉन्स्टिट्यूशन जो हिकिड़ो आर्टिकल आहे 37B जंहिंमें ज़िमेदारी एजुकेशन इम्पार्ट करणु उहा गवर्नमेंट जी आहे स्टेट जी ज़िमेदारी आहे त उहा एजुकेशन उन सिस्टम खे हिकिड़े यूनिफॉर्म सिस्टम सां हलाए हाणे गवर्नमेंट कुझु कॾहिं इनिशिएटिव वठंदी आहे हिन तरफ़ वरी कॾहिं जेको आहे हिकिड़ो माण्हू कोई ईंदो आहे ज़ाहिर आहे जॾहिं रेवोल्यूशन या एवोल्यूशन थींदी आहे त कोई हिकिड़े माण्हूअ जे हुन सां थींदी आहे हुनखे फॉलो करिणो पवंदो आहे भुट्टो साहिब जो इहो बीहंदो हुयो त जेको आहे इहे स्कूल नेशनलाइज़ करे सिस्टम हिकु ई इंट्रोड्यूस कयां पर हुनखे वक़्तु न मिलियो 4 सालनि खां पोइ हुनजी गवर्नमेंट हली वई ऐं पोइ नेशनलाइज़ेशन वारी डीनेशनलाइज़ेशन थी वई उन खां पोइ वरी जेका सिस्टम सॼो जेको आहे डाउनलोड उन खां पोइ थियो आहे हाणे जेकॾहिं 37B आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो ख़तमु न कयो आहे उहो उअं ई आहे पर उन ते अमल न पियो थिए अमल थियण जे लाइ असांखे मथे अथॉरिटीज़ खे सोचणो पवंदो असांजे फेडरल गवर्नमेंट ऐं प्रोविंशियल गवर्नमेंट ते जेके चीफ एग्ज़ीक्यूटिव आहिनि फेडरल गवर्नमेंट जो पी एम आर सां जो प्रोविंस जा सी एम सां उन्हनि खे वेही करे सोचणो पवंदो सिस्टम खे यूनिफॉर्म तरीक़े सां कहिड़े तरीक़े सां हले कीअं हलाइजे उहो जेकॾहिं इंट्रोड्यूस थी वेंदो ऐं सभिनी में असांजे प्राइवेट स्कूलनि में बि उहो सिस्टम अची वञे ऐं सभिनी खे हिकु एजुकेशन ॾिनी वञे असांजा जेके गवर्नमेंट स्कूल्स आहिनि जेकॾहिं उन मयार जना आहिनि तॾहिं त भेट में वरी असां जेके आहिनि उहे प्रेफर कयूं था प्राइवेट स्कूल्स खे ऐं उते असां इहो मञूं था त कम अज़ कम उते ॿार खे तालीम मिलंदी गवर्नमेंट जे निस्बत त माना गवर्नमेंट खे त असां सफ़ाई हेठो तबिको सम्झी वेठा आहियूं तालीम जे हिसाब सां उहो कसूर तव्हां सही था चओ कसूर गवर्नमेंट लेवल ते इम्प्लीमेंट ऐं स्कीमूं ऐं ॿिया सिस्टम कंदी आहे उहा गवर्नमेंट ई कंदी गवर्नमेंट प्रॉपर तरीक़े सां उन फंक्शनरी गवर्नमेंट जा नथियूं कमु कनि जंहिंजे करे इहो थिए थो असां मञूं था इहो एडमिट कयूं था पर इन में कोशिशि हले थी असांजे प्रोविंशियल लेवल ते सिंध गवर्नमेंट में असांजे सरदार शाह खे ॾिनी वई आहे एजुकेशन डिपार्टमेंट बिल्कुलु ऐं उन
उन्हें पांचे थोड़े टेन वेर में तां डिठो हुंदो त सभिनी मसलन तरफ पांजा इनिशिएटिव वता है बिल्कुल सही ऐ ओ सिस्टम के सुधारे तरफ समझियो पया ये त जेके मसला थोड़े बनेगड़ सिस्टम में ताके नजर इंदी दी ताके स्ट्राइक में नजर इंदी हो पर उन सभिनी के दिसो इन जो सुठो पहलू यो आ त साईं सरदार साहब खुद इन्वॉल्व थी करे खुद हराए के टीचर सा मीटिंग खुद करे तो अबे स्टाफ भी देखो एजुकेशन जाए उन सा मीटिंग करे तो पेरेंट्स सा मीटिंग करे तो अवन मीटिंग जो खर्चे निकले तो ये के टीचर्स दिसो टीचर जो एजुकेशन अगर मेलन जो तो वो काफी वक्त तक हला आने एजुकेशन ता के नजर आए वने का पो जो अमी केबली उन के साल कह दो जे के उन जा मेन की मसला हुआ मुतालबा हुआ उन के मन्यो बियो जे के बे बाहर इंट्रोड्यूस किया बयान असवन मैनेजमेंट केडर जे को आंदो वे उन दे करे घणी खराबी है सही सही असवन इन सिस्टम के फिलहाल जे को सस्पेंड के वा गवर्नमेंट सही सही आ उन दे कमिटी मुकरम कयो त सबन का सबन स्ट्रिक्ट होल्डर्स का सा जे सजेशन वटो इंप्रूवमेंट ला मेस वटो बहरहाल ही जे को टेन्योर रहयो वा वो काफी कंट्रोवर्शियल भी रहयो वा है काफी इंटरेस्टिंग भी रहयो वा सो बई जे के पहलू आन ओ आन बहरहाल दुआ सिंधी तो समझ में आ रही थी ना सर सारी बातें समझ में आ रही थी सिंध में रहते हैं तो सिंध में सिंधी नहीं समझ पाएंगे तो एग्री करते हैं सर से आप देखिए एक थॉट प्रोसेस है हर आदमी के सोचने का आज हमें कम्पीट किससे करना है सही दुनिया के उन ममालिक से करना है जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वो क्या एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं वो किस तरह तालीम दे रहे हैं सही। बहुत जानना जरूरी है आज हम बच्चे को तैयार करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे एंटरप्रेन्योर जैसे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया इन्होंने बिजनेस भी करना है तो उस लेवल का करना है कि दुनिया में कॉम्पीट कर सके क्या आज हमारा तालीमी निज़ाम 47 से लेके आज तक हम बना सके ऐसा कि कॉम्पीट कर सके नहीं बना सके ये हमारा फेलियर है इसमें मैं भी हूँ आप भी हैं सब मिलके हम सब एक सिर्फ गवर्नमेंट को क्यों डालें हम सब फेलियर के इसके सही। सही। ये सिर्फ इदारों को क्यों कहें सिर्फ इदारों को क्यों कहें हम अपने आप को भी कहें ना तो हम मिलके ही एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन निकाल सकते हैं अब आपके पास सिस्टम के साथ साथ आपके पास जो तालीमी निजाम चला रहे हैं वो एक प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम चल रहा था उन्होंने क्या डिलीवर किया है ये भी हमें देखना है और देखना क्या डिलीवर कर रहे हैं आज हमें अभी परसों ही इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड मिला है जो ब्रिटिश काउंसिल ने दिया है वो इंटर एक्सचेंज प्रोग्राम है पूरी दुनिया के स्कूल्स के साथ हम उस लेवल पे काम कर रहे हैं एजुकेशन पे तो वो हमें 3 साल के लिए उन्होंने दिया है कि हम ब्रिटिश काउंसिल के अपने लोगोस उनके लोगोस इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे लोग हमारे टीचर्स इतने ट्रेंड हैं कि उस क्वालिटी के बच्चे निकाल रहे हैं उस क्वालिटी की एजुकेशन दे रहे हैं जो इंटर एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू दूसरे इंग्लैंड में जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं वो हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो उनके उनके टेस्ट पेपर्स आते हैं वो कैम्ब्रिज से हमारे भी आते हैं हम वन ऑफ द स्कूल पाकिस्तान में है जो प्राइमरी लेवल पे भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहे हैं सही। और इनको जॉब भी वहीं जाए इसी इन्हीं से कम्पीट करना है ना जब आप बच्चे को तैयार करेंगे इन्हीं यूनिवर्सिटीज में इन्होंने जाना है जो कि कैम्ब्रिज हार्वर्ड या ये यूनिवर्सिटी दुनिया में वो है तो जब आप बच्चे को तैयार करेंगे तो इनको वहीं पर जाके स्कॉलरशिप मिलेंगी वहीं जाके पढ़ेंगे और फिर डे एंड वापस आके पाकिस्तान की खिदमत ही करेंगे तो हमने ये सोचना बहुत जरूरी है कि हमने बच्चे को कहाँ तैयार करना है और किस तरह तैयार करना है क्या प्राइवेट करें गवर्नमेंट लेवल पे करें किसी लेवल पे भी करें वैसे एक बात है कि काफी टाइम से फील हो रहा है कि हाँ हमारे जो बच्चे हैं वो कंपटीशन में हैं और कंपटीशन में आ रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है जहाँ देखिए हर चीज के नेगेटिव पहलू हैं वहाँ पॉजिटिव भी है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें या प्राइवेट सेक्टर की बात करें दोनों चीजें दोनों सिस्टम्स में पिछले 5 साल से हमने ये प्राइमरी चेक पॉइंट सेकेंडरी चेक पॉइंट एंड ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स तो सब करा ही रहे हैं लेकिन हमने प्राइमरी लेवल पे भी वही म्यार रखा हुआ है सिर्फ बच्चे को हम तैयार करते हैं अनसीन पेपर के लिए कि बच्चे को नहीं पता होता ना टीचर्स को पता होता क्या पेपर आएगा सिर्फ तैयार करना है बच्चे को उस कॉम्पिटिशन के लिए उस लेवल पे तैयार करना है कि अनसीन पेपर आए और बच्चा उसको सही तरह हल कर सके सॉल्व करके और उसमें रिजल्ट आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारे ही बच्चे हमारे ही पाकिस्तान के स्कूल के बच्चे वहाँ कॉम्पीट कर रहे हैं और इनका 6 बैंड हाईएस्ट बैंड होता है तो हमारे प्राइमरी लेवल पे भी सेकेंडरी लेवल पे भी 6 हाईएस्ट बैंड लिए हैं और हमारे स्कूल से ही वर्ल्ड टॉप अचीवर निकला है बिजनेस स्टडी में ओ लेवल्स में क्या बात तो ये अचीवमेंट्स है ना इसका क्रेडिट
किसको जाएगा? पाकिस्तान को जाएगा जब नाम रोशन होगा। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, साथ मिलकर करेंगे जी, साथ मिलकर करेंगे तो ये कोई चीज मुश्किल नहीं है। आज हमने हमने डिस्टेंस कायम कर लिए है, हमने अपने 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 सिस्टम बना के अपने अपने होल में आ गए। ओपन करें सबके लिए, बैठे सबके लिए, बिल्कुल सही जी, बैठे और सोचे इस पर बात करें कि एक तालीमी निजाम क्यों नहीं बना सकते। जब आपका इतना स्ट्रांग हो जाए, जब आप उस मेयार की तालीम देना शुरू करें, फिर हमें नहीं चाहिए होगी इंग्लैंड से या अमेरिका से या कोई ऐसा सिस्टम, हमें नहीं चाहिए होगा। लेकिन इसके लिए आपको डेकेड्स अभी लगेंगे इसको तैयार करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो इतना खराब हो चुका है माजी की कुछ अनफॉर्चुनेटली वजह से। तो अभी एक रिकवरी में लाजिम है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, थोड़ा नहीं काफी टाइम लगेगा। अगर आप सीरियस नोट पे कहें काफी टाइम लगेगा, डिसहार्टेड नहीं हो, कुफर दुनिया कुफर है ना, भी है ना? इस्लाम में तो डिसहार्ट होना कुफर है, तो आपको डिसहार्टेड नहीं होना, आपको अगर, काम करते रहना, विजय की उम्मीद की किरण नजर आ रही है। बहरहाल ये बात है, उम्मीद की किरण बिल्कुल नजर आएगी और आ भी रही है, लेकिन उसके लिए आपको सीरियस नोट पे एजुकेशनिस्ट बिठाने पड़ेंगे जो वाकई इस फॉर्मेट पे काम करें, पूरे पाकिस्तान को लेके एक फॉर्मेट बनाने में काम करें। वैसे एक बात है कि काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि चाहे सोशल मीडिया हो या चाहे आम घरों की बात हो या कहीं भी, आजकल जो सबसे बड़ा जो बहस है ना वो एजुकेशन है। और मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर कि अब हमें क्या करना चाहिए। आप सोशल मीडिया खोलें, उस पर सारी चीजें आपको वही मिल रही है, भाई आज स्कूल में ये हुआ। अभी कॉपी कल्चर के लिए लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करें कि आप आगे बढ़ें। ठीक है, सिस्टम तो ठीक है अपना काम करेगा, लेकिन आप लोग भी आगे बढ़ें कि आपका बच्चा नकल ना करे, एक अच्छा अच्छी तालीम हासिल करे और एक अच्छी उसको डिग्री मिले। आपका बच्चा नकल ना करे, अकल करे, अकल करे, अकल से। अगर पाकिस्तान की तकदीर देखें, ये अच्छी बात है। अगर सिस्टम इम्प्रूव ही इसी तरह होते हैं जब टॉक ऑफ द टाउन बनते हैं, जब लोग सोचना शुरू करते हैं, बात करना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग परफेक्ट हैं, हमें भी गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की और हमेशा रहेगी। अच्छा, मूवमेंट की बात आई तो पीएम साहब से सवाल लिया है हमने, उस पे भी थोड़ी सी बात हो जाए जी। मुबारक, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने आपको बताया, हम मॉर्निंग में प्राइवेट स्कूल भी चला रहे हैं और आफ्टरनून में उन्हीं बिल्डिंग में, इवनिंग में हम ओन पाकिस्तान के नाम से ये भीख मांगने वाले बच्चे जो कचरा चुनते हैं, इन बच्चों को भी स्कूल्स में लेके आए हैं। और मैं भी पीएसी एक पाकिस्तान एकेडमिक कॉन्सोर्शियम है जिसके अंडर 150 से ज्यादा स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आते हैं, उसका मैं चांसलर भी हूँ। तो उनको भी हम उनको समझा रहे हैं, उनको बिठा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हम अपने स्कूल्स को इस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये पूरा इसकी वजह से मुझे नमल यूनिवर्सिटी बुलाया गया, अभी जब कॉन्वोकेशन था। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इमरान खान साहब ने शील्ड दी कि एजुकेशन में जो काम कर रहा हूँ, जो इनफॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन में जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, और ये एक रिकग्नाइजेशन है। जैसे मैंने आपको बताया, आईबीए एक इंटरनेशनल अवार्ड था जो ब्रिटिश काउंसिल का था, वो हमें मिला है। ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें अवार्ड दिए हैं, फिर चैम्बर ने, काफी एसोसिएशंस हैं जो रेकनाइज करती हैं, और ऐसी बॉडी होनी चाहिए। जब आपको रेकनाइजेशन मिलती है एक यंग एज में, जब आप कोई काम करते हैं, आपको रेकनाइजेशन मिलती है, तो आपका और काम करने का बिल्कुल दिल बड़ा हो जाता है ना, बिल्कुल, और होना भी चाहिए। और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। और जैसे अभी सितारा इम्तियाज दिया बहुत से बिजनेसमैन को, हाईएस्ट टैक्स पेयर्स को अवार्ड दिया, तो हम बच्चों को यही दिखाते हैं, देखो तुम भी बन सकते हो, आप लोग भी सितारा इम्तियाज ले सकते हैं, आप लोग भी हाईएस्ट टैक्स पेयर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं, बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। पाकिस्तान की तकदीर इस तरह भी बदलेगी जब तक जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, बिजनेसेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होंगी, मतलब हर शख्स अपने हिस्से का किरदार, अपने हिस्से का, अपनी अपनी हिस्से का किरदार अदा करता रहेगा तो तरक्की होती रहेगी। लेकिन एजुकेशन, एजुकेशन इज मस्ट। पाकिस्तान की तकदीर, मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तान की तकदीर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से बदलेगी, और जिसमें सब काम कर रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। राइट। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में कब से घूम रहा है, मैं सोच रही हूँ वो पूछ ही लूँ, ऐसा ना हो कि टाइम गुजर जाए। आपने कहा कि स्ट्रीट के जो चिल्ड्रन हैं उनको आप स्कूल में लेकर आए, लेकिन उसके बाद भी तो उनकी एक लाइफ है, तो उस हवाले से कुछ आप ऐसे इकदाम उठा रहे हैं कि वो पढ़ाई पर ही फोकस करें बजाय इसके कि वापस अपनी जिंदगी में लौट जाए। देखें, जब एजुकेशन का मतलब ही शऊर देना है, ठीक है, सही बात है, इसमें दो राय नहीं है। शऊर की चीज क्या है कि इतनी कैपेसिटी समझने की हो कि क्या सही है क्या रॉन्ग है। जब स्कूल में आए वो लोग, पहले दिन मैं आपको बताऊं तो उनके, जब मैंने हाथ मिलाया तो उनके हाथ यूं कांप रहे थे, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं था। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हम एक प्राइवेट स्कूल में इस तरह जाके पढ़ेंगे, ये हमारे हाथ में भी कलम आएगा कभी। तो ये कॉन्फिडेंस टीचर्स ने दिया,
हमने बैठ के पूरा, हमारा एक रिसर्च सेंटर भी है पाकिस्तान में, हम स्कूल हैं जिसपे जिसका अपना रिसर्च सेंटर है, सही सही, जिसमें रिसर्चर्स मौजूद हैं। अच्छा जी, सारी इस बात को कंटिन्यू करेंगे, कॉलर है हमारे साथ। जी जी बिल्कुल, लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। साईं साईं, की आयो ठीक है? हाजी बस तो गला है शाह भा केर साईं। हाजी बख्श रोड़ी को। हाजी बख्श, हाजी बख्श, की आयो साईं ठीक है? ॿियो ख़ैरु आहे साईं, अलाह जा क़ुर्बान, तव्हां ॿुधायो ॿियो ख़ैरु आहे, ख़ुशि आहियो? दुआऊं साईं, प्रोग्राम ॾिसंदा आहियो, छा चवणु चाहींदो? साईं चऊं था तालीम जे बारे में। जी साईं, छा चवंदो? मीडिया ते ॾिठो त वक़्त खां अॻु में पर्चो आउट थी वियो। जी साईं, ॿियो इहो असल छा आहे, असांजो जेको आहे न तालीमी इदारो, या त के ईमानदार ऑफिसर हुजनि जेके इन खे सही तरीक़े सां हलाइनि, न त आर्मी जे हैंड ओवर कयो वञे। छा आहे हिते बाबा कोई निज़ाम ई न आहे कोई डिसिप्लिन ई न आहे वॾी महिरबानी मुंहिंजी, अवां सजेशन ॾाढी ठाहू की ॾिनी आहे। बहरहाल ॻाल्हि उहा थी पई त ॾिसो, सिस्टम बहितर थिए पियो ऐं ग़लतियूं अञा आहिनि असांजे सिस्टम में, पर हिते अहसास ज़िमेदारी पाण खे बि महसूसु करणी आहे। जंहिं आउट कयो आहे पेपर त उनखे बि सोचणु खपे त सुभाणे हुनजे ॿार जो जेको मुस्तक़बिल आहे उहो छा थींदो। अहसास ज़िमेदारी महसूसु कंदे पाण में नंढी साई वठूं, असांजी ज़िमेदारी आहे। वञो केॾांहुं बि न, असां सां गॾु रहिजो। अॼु को प्रोग्राम सुरहाण प्रीमियम गोल्ड जे ताबन सां तव्हांजी ख़िदमत में पेश कयो पियो वञे। सलाम सिंध, मिलूं था नंढी साईअ खां पोइ। सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। शाज़ी ऐं इरशाद तव्हांजी ख़िदमत में वरी हाज़िर आहियूं। सुरहाण प्रीमियम गोल्ड स्टेट आवन सां जेको प्रोग्राम तव्हांजी ख़िदमत में पेश कयो पियो वञे, 12, 13, 14 तारीख़ तव्हांखे सवेर ॿुधाईसीं ऐं तव्हांखे यादि थी वियो हूंदो त छाजे करे तव्हांखे ॿुधाईसीं। 12, 13, 14 तारीख़ राणी बाग जो मेगा फेस्टिवल आहे, अवां सभिनी खे कोठ ॾियूं था। यादि थी वियो माना राणी बाग में तव्हांखे छॾणो आहे। जेकी बि तव्हांजी मसरूफ़ियतूं आहिनि, काॾे वञिणो आहे, सभु मसरूफ़ियतूं कैंसिल करे छॾियो ऐं पोइ तव्हां मयार पाण ई ॾींदा आहियो। साईं पहिरियां ॿुधायो आहे न, अॻे में था ॿुधायूं, 15 ॾींहं पहिरियां था ॿुधायूं तव्हां। 15 ॾींहं पहिरियों अव्हांखे ॿुधायूं था त अव्हां ज़रूरु अचिजो, पंहिंजे फैमिली सां गॾु अचो, पंहिंजे ॿारनि सां गॾु अचो ऐं प्रोग्राम खे असां अॻिते वधाईंदासीं। ॻाल्हि ॿोल जेका हले पई उनखे असां कंटिन्यू कंदासीं, जेका सजेशन ॾिनी उन ते बि असां कचहरी कंदासीं। पर पहिरियों सर, अगरि आपकी इजाज़त हो, मेरे ख्याल से कि बातें हम ज्यादा कर चुके तो एक सॉन्ग सुन ले। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, अगर हुबुल वतनी में हो तो बहुत ही अच्छा है। वाह सर, क्या बात है। अब ये खान साहब बादल राही जी पे डिपेंड करता है जी, बात मुहरात ख्वाब में थर दिखो मुखाब में रात थर दिठो भिट ते बीठल पंहिंजो दिलबर दिठो हो पोयो चितो जे मुंहिंजी अख खुली त सुॾिकनि में मूं सिकंदर दिठो चोटीअ ते कींझर जहिड़ा नेण खणी कारूंझर जी चोटीअ ते कींझर जहिड़ा नेण खणी सैर कंदे हिकु सुहिणो माण्हू
सैर कंदे हिकु सुहिणो माण्हू दिलि खे वियो आहे ॾाढो वणी कारूं झर जी चोटीअ ते कींझर जहिड़ा नेण खणी सैर कंदे हिकु सुहिणो माण्हू सैर कंदे हिकु सुहिणो माण्हू दिलि खे वियो आहे ॾाढो वणी कारूं झर जी चोटीअ ते कींझर जहिड़ा नेण खणी शर्माए विधो हुन जी हिकड़ी आरस ते इंडलठ भी शर्माए विधो हुन जी हिकड़ी आरस ते पंहिंजी भी काना है खबर पंहिंजी भी काना है खबर अहिड़ो वियो आ जा तू हणी कारूं झर जी चोटीअ ते कींझर जहिड़ा नेण खणी सैर कंदे हिकु सुहिणो माण्हू सैर कंदे हिकु सुहिणो माण्हू दिलि खे वियो आहे ॾाढो वणी कारूं झर जी चोटीअ ते कींझर जहिड़ा नेण खणी भरत भरियल पीला छूड़ा लाल लड़ियों नीला कपड़ा भरत भरियल रेशम जेड़ा वार मथा रेशम जेड़ा वार मथा खुशबू वारा तेल फणी कारूं झर जी चोटीअ ते कींझर जेड़ा नेण खणी कारूं झर जी चोटीअ ते भला फनकारनि जी सुञाण अथव त कहिड़ो रागी आहे इहो गाए केरु थो माना एतिरी एतिरी हद ताईं चाह आहे मेहदी हसन साहब हैं इनकी गजलें बहुत ही अच्छी हैं जज्जी चित्रा हैं इनकी जगह इनकी बड़ी अच्छी लगती हैं तो ट्रैवलिंग में टाइम मिलता है कि सुनने का मौका मिलता है ट्रैवलिंग में तो लोग कहते हैं कि फास्ट म्यूजिक हो तो आप फिर गजल का इंतखाब करते हैं ये
जिसमें आपको रिलैक्स फील हो, मूड के मूड स्विंग्स भी होते हैं ना, मूड भी आपके चेंज हो रहे होते हैं कि किस मूड के साथ आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से चेंज भी हो रहे होते हैं। कभी कभार तो मुसरत नजीर को लगा दिया, चलें तो कटी जाएगा, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ट्रैवलिंग कभी कभी बड़ी लंबी भी होती है, 16-16 घंटे की फ्लाइट होती है, सोलह घंटे की अगर लंबी मतलब ट्रैवलिंग करनी हो तो फिर क्या सुनते हैं आप, फिर कौन सा गुलगार है? डिफरेंट होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ रिसर्च पेपर पढ़ रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं, उसके साथ साथ कोई मूवी देख लेते हैं, इंटरटेनमेंट होती है ट्रैवलिंग के दौरान, और कुछ म्यूजिक लगा लेते हैं, टाइम इस तरह गुजर जाता है। शुक्र है कि जो ना साइंस ने तरक्की कर ली है, वरना 16-18 घंटे का सफर बनने को, मैंने सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट जो है 31 आवर्स की ली हुई है, तब से 31 आवर्स की ब्रेक कर करके लंदन से चला था न्यूजीलैंड तक। तो पहले दुबई में स्टॉप ओवर था, फिर सिडनी में था, अच्छा, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड वेलिंगटन में फ्लाइट हुई थी, 31 आवर्स, सही से लॉन्गेस्ट फ्लाइट, ट्रैवलिंग का काफी मौका मिला माशाल्लाह। मेरे ख्याल से जिंदगी का सफर भी जो है ना वो आपका इतना ही लंबा चला है, मतलब कितने ममालिक घूम के आए आप? अल्हम्दुलिल्लाह सारे तकरीबन कॉन्टिनेंट देखे, पूरी दुनिया घूम के आए ना, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारी पूरी दुनिया देख ली आपने, लेकिन सिंध है, सिंध पाकिस्तान 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 घूम के फिर यहीं आते हैं, यही दिल चाहता है कि वो चीजें यहाँ इम्प्लीमेंट करें। देखें शऊर, जैसे आप बाहर जाते हैं किस लिए जाते हैं? आप सीखने के लिए जाते हैं, कोई कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, कोई ना कोई डिबेट चल रही होती है, वर्कशॉप चल रहे होते हैं, हमारे ट्रेनिंग सेशन चल रहे होते हैं, या कोई ऐसी घूमने भी जाते हैं, सही, सही, सही। तो देख रहे होते हैं वहाँ कितना सफाई का इंतजाम है, आज यहाँ के फिर हमें शर्मिंदगी भी होती है अपने आप से, हम कैसे मुसलमान हैं जो अपने घर के बाहर भी सफाइयां नहीं कर सकते, जहाँ कारोबार करते हैं उसके बाहर भी ख्याल नहीं रख सकते, छोटे छोटे हम अपने अपने ही इदारों में एक एक छोटा सा प्लान कर लें कि जी मेरी जिम्मेदारी है, जब मैं जैसे आपका टीवी चैनल है बाहर से आए तो यहाँ की जिम्मेदारी थोड़ी सी टीवी चैनल के ऊपर बनती है, हमारे जैसे हमारे अपने बिजनेसेस है वहाँ की जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसकी उसकी सफाई का इंतजाम करें। तो डीएमसी केएमसी और ये गवर्नमेंट इदारों पे भी कम बोझ होगा, सही सही, क्योंकि लोग हम ही लोग हैं ना, हमें से ही लोग हैं जिनको शऊर नहीं है, कचरा बाहर फेंक देते हैं, अपने घर के बाहर गटर बह रहा होगा, जी मेरा नहीं है, जी ये तो सामने वाले के घर का है, वहाँ पानी जा रहा है। अच्छा यही लोग जब बाहर किसी मुल्क जाते हैं, एयरपोर्ट पर उतरते हैं, एकदम सीधे हो जाते हैं, सुधर जाते हैं, उनको पता होता है कि भाई यहाँ के जो कवानीन है वो क्या है या किस तरह खाना है, और यहाँ जब पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर उतरते हैं ना, पॉपकॉर्न खाए वहीं फेंकेंगे, सीधे बन जाते हैं। कनाडा भी काफी घूमने का मौका मिला, अमेरिका भी काफी घूमने को, यूरोप तो इट्स माय सेकंड होम, लाइक मैं 10 साल लंदन में भी रहा हूँ, तो लेकिन न्यूजीलैंड की एक कभी क्योंकि वाकया भी हुआ था, तो आई वाज शॉक्ड, मैं अगेन मैं लंदन में ही था जब ये वाकया हुआ, तो मैं शॉक्ड हो गया कि न्यूजीलैंड जैसी जगह पे भी ऐसे वाकयात हो सकते हैं जो अनबिलीवेबल थे, जहाँ सफाई की बात कर रहे हैं, सफाई इस्लाम में निफ्स ईमान है हमारा, और हमारे इस्लाम में जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है, तो क्या हम एडॉप्शन नहीं कर सकते? हम अपनी तालीमी निजाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नहीं लेके आ सकते? आज हम टीचर्स को उस तरह ट्रेन नहीं कर सकते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखते हुए क्लासरूम को डेवलप करें, बच्चों को उस नौयत की उस तरह तालीम दें। रिवायत को अपने मजहब को बहुत पीछे छोड़ दिया, बहुत पीछे छोड़ दिया, बड़े अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है। यहाँ पाकिस्तान में एक लाश 5 दिन सड़क पर पड़ी रहती है, कोई कानूनी इदारा आगे नहीं आता, कोई हेल्प के लिए नहीं आता, और वहाँ देखे इतना बड़ा हादसा हुआ, और लाजम है हमें तकलीफ हुई क्योंकि इतना बड़ा नुकसान हुआ जानों का, लेकिन उनका जो रद्द अमल था वो बहुत पॉजिटिव था, वो मैं पहले ही उस रिएक्शन में यकीन करें कि वो जो गुस्सा था वो सब कुछ था वो एक दिन एकदम कहीं उड़ गया कि चलो एटलीस्ट इंसाफ तो हुआ, वो लोग कुछ कर तो रहे। मैं आपकी मोहब्बत तो देखी ना, आप नमाज पढ़ रहे हैं, फिर सारे आगे पूरी न्यूजीलैंड बना के खड़े हो रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, वो हाथ मैंने मैंने आपको बताया ना, मैं बहुत शॉक्ड हुआ था जब मैंने ये सुना था। वहाँ पर आप वाहिद मुल्क है जिसमें आपको जूते साफ करके जाना है, यानी कि आपके बैग में जो जूते रखे हैं ना उसमें भी मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए, वो उनके रूल्स में है लिखा हुआ। जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा था तो
हम पढ़ लेते हैं थोड़े से रूल्स. जब मैं पहुंचा जहाज में भी था तो उन्होंने एक फॉर्म दे दिया, जैसे पाकिस्तान आप आते हैं तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है. इसी तरह हमारी सरजमीन में अगर आप पांव रखें तो जूते साफ होने चाहिए, जूते भी साफ होने चाहिए. अच्छा मैंने गंदगी हुई ना, पूरी पूरी दुनिया में सफर किया है, यूरोप में भी मैंने आपको बताया, सब जगह किया है, तो कभी ऐसी प्रॉब्लम या कभी मैंने ऐसा सुना नहीं है. ये कैसा मुल्क है जो कह रहे हैं जी जूते भी आपके साफ होने चाहिए. तो जब लैंड कर रहे तो उन्होंने एक ही सवाल पूछा, डू यू नो अबाउट दिस रूल, आपको पता है ये रूल के बारे में. मैंने बोला बिल्कुल पता है. उनके पास बड़े स्कैनर लगे हुए, अगर किसी के शूज में मिट्टी लगी भी होती है तो वो लेके जाते हैं, साफ करते हैं और फर्स्ट वार्निंग देते हैं, सेकंड दफा उनके चार्जेस हैं उसको साफ करने के लिए. अच्छा अच्छा. जब हम एंटर हुए तो हमने बोला वाह इनको हक है, इनको हक है कि ये कहने का कि किसी मुल्क की आप मिट्टी भी नहीं लेके आए, क्योंकि हम इतने प्योर हैं, इतने साफ सुथरे लोग हैं, इतने ऑनेस्ट लोग हैं. सर इसी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे. व्यूवर्स वक्त आए थे मुख्तसर ब्रेक जो ब्रेक हां पो वरी बाप साहब सभी कचेरी कंदासी कादिम नमन जो दिसना रे जो पांचो प्रोग्राम सलाम सिंध. जी व्यूवर सलाम सुन में मुख्तसर ब्रेक हां पोई वरी अमा सबनी के भली कार चाहूं था आई वरी अमा जे खिदमत में हाजिर आयो गाल बोल के सागते वधाईंदा सी मेहमान भी मौजूद आहेन. बिल्कुल अब्दुल वाह अब्बासी साहब का सवाल यो पूछा कंदम त ही जको वडो धमचर होयो मास्टरन जो नेट खैर सा पुजणी ते पोतो मास्टर राजी थी गया इन समूरी सूरत हाल ते छा चवण चाहंदो माने को तजियो यो उस्तादन में ये गस्ता उस्ताद पेचन या काफी असे का हुई नवा केटर वरी एनटीएस उस्ताद काफी असे का तक 5 साल थे जो ये चेंजेस हलचल हले पे चेंजेस इंट्रोड्यूस कयो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में. अच्छा पर उन चेंजेस ला चयो वे हो त हन सा इंकलाब ही दो. सही सही. ये इमरजेंसी जो असा मैस वटो ता एजुकेशन पर उन जे रिजल्ट शुरू में ही ना ही पता पता. सही सही. जे दे करे उस्तादन में सदे अमले में एजुकेशन में बेचैनी फैली हुई. पर या बेचैनी उस इम्तिहान वाली मुद में जो थी यो बतायो मुझे ठीक ठाक शहर चाहिए पहिरियों त मां इरशाद भाउ सां गॾो गॾु जेके महिमान आयल आहिनि उन्हनि खे सलाम चवंदुसि सलामी सिंध में. साईं वालेकुम सलाम, वॾी महिरबानी. हा एजुकेशन जे गुफ़्तगु हले पई जो उहो ॿुधूं पिया तव्हांजी टेस्टरी मां एतिरो चवंदुसि त माशाला पाकिस्तान में असांजे में ख़ासि करे सिंध में जेको आहे मां अॻ में बि इहा ॻाल्हि करे चुको आहे त अलाए असां वटि सुधारो कॾहिं ईंदो. मेरिट जी लताड़ हिकिड़ा छोकिरा महिनत कशनि एक्सपर्ट आहिनि उन्हनि जो हक़ छिनी करे कंहिं पैसनि ते कंहिं ॿिए खे ॾियणो पंहिंजो मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में इहा ॻाल्हि करे आयो आहे त पाकिस्तान जी क़ौम जेकी आहे वरी जिदोजहद वारी क़ौम आहे पर पैमानीअ में बि नंबर वन आहे. हिदायत ॾींदो असां बि हिते मुक़त जॻहनि ते वेठा आहियूं जो हक़ मारे कंहिंखे ॾियणो इहो जेको आहे सुठो अमल न आहे. माना ईअं चवंदुसि त इहा महिरबानी करे जेको आहे ईमानदारीअ सां कंहिंजो हक़ न मारे. भले पार वेठा आहियूं शामिल थींदा आहियो बाब साहब ॻाल्हि पई कईसीं पाण इहे उस्तादनि जी बेचैनीअ जी कम्युनिकेट कयो गवर्नमेंट ताईं मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां ऐं आख़िर में प्रोटेस्ट एजिटेशन जो रस्तो उन्हनि एडॉप्ट करण जी कोशिशि कई.
डेट ॾिनो त असां हिन तारीख़ एहतजाज कंदासीं. गवर्नमेंट अॻु में रियलाइज़ कयो, हुननि चयो त ग़लतियूं आहिनि कुझु गवर्नमेंट जूं, सही रिज़ल्ट न पई मिले. त हुन मीटिंग कयूं, सेक्रेटरी मिनिस्टर साहिबु हुन सां मीटिंग कयूं. मीटिंग शायदि उहा मटीरियलाइज़ प्रॉपर तरीक़े सां न थी, जो हुनजी मिनट्स प्रॉपर तरीक़े सां न निकिता. त हुन उस्तादनि खे शक पियो थिए शायदि न थी आहे, असांजे ॻाल्हियूं थियूं आहिनि उहे सही न थियनि. हुननि प्रोग्राम पंहिंजे मुताबिक़, शेड्यूल मुताबिक़ उहो वरी एहतजाज कयो. त पोइ गवर्नमेंट वरी बि नाराज़ थी, तव्हां असां सां ॻाल्हियूं कयूं, तव्हां छो एहतजाज कयो था. त पोइ वरी उन्हनि उस्तादनि ते कुझु पुलिस जी तव्हां ॾिठी कोशिशि आहे, रेड ज़ोन में जेको कोशिशि कई, ॿीहर जेको आहे सभिनी अथॉरिटीज़ रियलाइज़ कयो. ॿीहर हुन सां मीटिंग थी, पोइ ब्लैक एंड वाइट में राइटिंग में हुननि सां एग्रीमेंट थी. पोइ जेके जेके हुननि जा मुतालबा, उन्हनि मुतालबनि लाइ किथे कमेटियूं ठाहियूं वियूं, के मुतालबा इंस्टेंटली मञिया विया. इहो जेको वॾो मुतालबो हुननि जो मैनेजमेंट केटर में, जेके ॿाहिरियां माण्हू आंदा पिया वञनि एजुकेशन में, त उन्हनि जे अचण सां काई रिज़ल्ट न आई आहे एजुकेशन में. छो जो उहे हिकु त एक्स केटरनि नॉन टेक्निकल एजुकेशन जो पतो हुननि खे काई ख़बरचार आहे कान. त उहे जेके अचनि था त उहे वरी जेको आहे कोई कमु प्राप्त एजुकेशन त उहो मुतालबो उहो सस्पेंड कयो वियो मैनेजमेंट केटर. गवर्नमेंट उहो सस्पेंड कयो आहे ऐं कमेटियूं ठाहियूं आहिनि त पाण में वेही करे उस्तादनि जी नुमाइंदा तंज़ीमूं ऐं उन्हनि जा लीडर्स वेही करे गवर्नमेंट सां ॻाल्हियूं कंदा. पोइ हिकिड़ो विचूं रस्तो कोई कढियो वेंदो, पोइ हुन विच रस्ते ते ॿिए रूल्स वग़ैरह पोइ चेंज कया वेंदा. तालीम जी ज़रूरी आहे त उस्ताद वरी ज़रूरी आहे, उस्ताद जी अहमियत, उस्ताद जी इज़त, उस्ताद मान हिकिड़ो मर्तबो वॾी ॻाल्हि आहे. उस्तादनि ते तशद्दुद न हुजणु घुरिजे. पर हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखे थोरी सम्झायो त जेकी असांजा बॉर्डर ते नौजवान आहिनि, वतन जा मुहाफ़िज़ आहिनि, उन्हनि जी पघार 40-50 हज़ार पोइ बि ख़ुशि लॻा पिया आहिनि. लख लख रुपया, ॿ ॿ लख रुपया पगार आहे मास्टर जी, को बि इंतज़ार था कनि. छो इहो त पघार जो मसइलो न आहे, इहे मसइला जेके साईं ग्रेड वधंदा, पघारूं वधंदियूं, सिस्टम वधंदो, वॾो कमु थींदो न साईं. न पघारूं तव्हां जेके जीअं जुडिशरी जूं आहिनि या आर्म्ड फोर्सिस जूं आहिनि, उहे टीचर्स खां पघारूं वधीक हूंदियूं आहिनि. टू थर्ड ते आहिनि टीचर्स जी पघार. उहो जेको ॿुधायो पियो वञे उहो ईअं न आहे. अच्छा, पघार जेको आहे टू थर्ड जेको आहे जुडिशरी ऐं आर्म्ड फोर्सिस, इहे जेको आहे हिननि जूं पघारूं ॿियनि इदारनि जे इम्प्लॉइज़ खां वधीक हूंदियूं आहिनि. ठीकु आहे. ॿी ॻाल्हि त जेके बि टीचर्स खे अलाउंस या पघारूं मिलनि थियूं, उहे बि जेकॾहिं कोई क्वालिफाइड हूंदो, ट्रेंड हूंदो, त उन ट्रेनिंग जे हवाले सां उनखे अलाउंसिस मिलंदा. जेकॾहिं ट्रेंड न हूंदो त उहे पघारूं न मिलंदियूं. पर सर ॿी ॻाल्हि त ॾिसो न, हिकु ॿारहें हिकु ॿी वॻे ताईं त मास्टर फ्री आहे, उनजी बि एतिरी चङी भली पघार मिले थी, उनखां पोइ पिटको ख़तम ई नथो थिए. ॿारनि खे बि नथा पढ़ाइनि. बिल्कुलु सही था चओ तव्हां. त जेके बि हुनजा मेट्रस के न के रेज़ थियनि था, के न के मसइला अहिड़ा जेके उभरी अचनि था, जेके जॉइंट मसइला आहिनि उस्तादनि जा. जॉइंट मसइलनि खे उहो जेकॾहिं रिड्रेस प्रॉपर तरीक़े सां टाइमली न कयो वेंदो उन्हनि खे, त पोइ उहे वरी मसइलो अॻिते वधंदो आहे. मैनेजमेंट केटर इहो 6 साल अॻु में इंट्रोड्यूस थियो. इहो होरियां होरियां हुननि जे मुताबिक़ जीअं न मञिया विया, कोर्टनि में विया, उस्तादनि ते ज़्यादतियूं कयूं, त पोइ उस्तादनि इहो इस्तेदाद रस्तो न. सुठी ॻाल्हि आहे, छो त प्रोमोशन जे लाइ बि जेके पर्ची वारा आहिनि उन्हनि खे त फौरन मिली थो वञे. बाकी वीचारा जेके उस्ताद आहिनि उहे वेठा आहिनि, उनजा 20-20 साल ईअं सड़ी था वञनि. उन्हनि जा जेके एहतजाज आहिनि उहे पंहिंजी जाइ ते जाइज़ आहे. असां वटि बि हिकिड़ो मास्टर वेठो आहे, चवे थो 300 रुपया मेडिकल आहे, 5 हज़ार हाउस रेंट आहे, वॾो मसइलो आहे. तव्हांखे ख़बर ई नाहे तव्हां कहिड़ा मेज़बान आहियो. मेडिकल लाइ मां क्लियर कंदो हलां, जेकॾहिं साईं जे घर में कोई बीमार आहे, जेकॾहिं उहो मेडिकल हिकिड़ो त अलाउंस मिलंदो आहे तव्हांखे, जेको हर महीने मिलंदो. सही सही. तव्हां मेडिकल करायो पंहिंजी या न करायो. ॿियो वरी फैसिलिटी गवर्नमेंट इहा ॾींदी आहे त मेडिकल रीइंबर्समेंट थींदी आहे. तव्हांजो बीमार आहे कोई घर जो, उन ते तव्हां ख़र्चु कयो 1 लख रुपियो, सपोज़ उन ते ख़र्चु अची वियो, त उहो गवर्नमेंट खे तव्हां बिल्स ॾींदो. गवर्नमेंट उहो तव्हांखे गवर्नमेंट इम्प्लॉय खे पे कंदी आहे, सिर्फ़ु गवर्नमेंट इम्प्लॉय खे, उन जी फैमिली खे. सर उन जे लाइ माउ पीउ सर जेके कामेटी वेठी आहे उहा बि त वरी ख़र्चो घुरे थी न चांहि पाणी.
आपके स्कूल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम जितने भी प्राइवेट स्कूल है उनकी बात करें, 10,000-12,000 सैलरी पे काम कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट जो टीचर है उसे डबल काम कर रहे हैं, ना उनको कन्विंस दिया जाता है, ना उनको कोई हेल्थ की फैसिलिटी है, ना इसके अलावा कुछ, तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक नाइंसाफी है कि एक तो प्राइवेट सेक्टर वाले कमाए ना रहे, ऊपर से टीचर को 0/0? देखिए हर सिस्टम में फ्लॉज होते हैं, बिल्कुल होते आपको हैं। और दुनिया भर में होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमारी बेसिक सैलरी क्या है, वो बेसिक सैलरी तो मिलनी चाहिए, उनका हक है, कानूनी भी हक है, तो वो मिलनी चाहिए। सेकंड चीज, जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि स्कूल कमा रहे हैं, हाँ उनको कमाने का हक है, वो टैक्स भी दे रहे हैं, वो कमर्शियल टैक्स भी दे रहे हैं, वो रेंट भी दे रहे हैं, वो हर चीज दे रहे हैं। और टीचर्स भी देखें, अब मैं अपने सिस्टम की बात करूँ तो हमारे यहाँ कंटिन्यू प्रोसेस इवेल्युएशन का होता है, कंटिन्यू प्रोसेस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें इंसेंटिव होते हैं उनको, वो इंसेंटिव उनको दिए जाते हैं, उनको उस हिसाब से पे दी जाती है। हमारे पास ऐसे भी टीचर हैं जो 2-2.5-2.5 लाख रुपए ले रहे हैं, वो टीचर्स हैं, पढ़ा रहे हैं और वो उस मेयार की तालीम दे रहे हैं जिस मेयार की तालीम की जरूरत है इस वक्त। क्या गवर्नमेंट स्कूल में या दूसरे स्कूल में इस मेयार के टीचर हैं? तो उनको भी अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड देना चाहिए, और बिल्कुल देना चाहिए। और आजकल टीचर भी स्मार्ट हो गए, उनको पता है कहाँ जाके उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे और वो किस मेयार का अपनी इवैल्यूएशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। और दुनिया में देखें, किसी भी इदारे में या खास तौर पे एजुकेशन में, जब तक इवैल्यूएशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा ना, हर टीचर का हक है उसकी इवैल्यूएशन हो, उसकी रिपोर्ट्स बने मंथली, क्वार्टरली एंड फिर ईयरली, फिर उसको पता चले वेयर ही स्टैंड, उसके हिसाब से उसको इंसेंटिव और उसको अवार्ड देने चाहिए। बिल्कुल सही सही सही, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। और हर इदारे में देने चाहिए, आपके इदारे में भी देने चाहिए। बिल्कुल। सो क्या है ना कि देखें, हर सिस्टम में कोई, अभी जो हमारी अभी डिस्कशन जो हुई है, तो इससे भी यही पता चला कि हर इदारे में, हर जगह पर जहाँ अच्छी चीजें हैं वहाँ थोड़ी सी बुराइयां भी हैं, बुराइयों को खत्म किया जाए तो फिर अच्छा ही अगर बढ़ जाएगी तो फिर सिस्टम सही हो जाएगा। और उसमें इदारे होते हैं, देखें अगर दुनिया में जाएं तो ये जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट क्यों बना है, इसीलिए ही बना है कि जो सिस्टम को अच्छी तरह नहीं चला रहे सही, उनको स्टैंडर्ड्स को अप करें और उनकी मदद करें, उनको हेल्प आउट करें इस चीज के लिए। और मेरे ख्याल ये लोग काम कर रहे होंगे, इनकी इवैल्यूएशन तो होती होंगी, इनकी आई एम श्योर के सिलेबस डिस्कशन होता होगा, वर्कशॉप होती होंगी, ट्रेनिंग सेशन होते होंगे इनके। सर अगला सवाल, चूंकि टाइम बहुत कम रह गया, ऑन पाकिस्तान के हवाले से कुछ बताइएगा, इस हवाले से आप फ्री प्रोग्राम्स जो वो ऑफर कर रहे हैं, ये भी सुना है हमने, तफसील आप बताएंगे। अच्छा, पहले हमारी बात हो चुकी है, मैं इसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि कहाँ हमने छोड़ा था। आपने सवाल किया था कि इनको शऊर किस तरह दिया जाता है, शऊर की तो बात हमने की, लेकिन पढ़ने के बाद लाजमी सी बात है कि बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के पास रहता है, वो तो वापस अपनी दुनिया में लौट जाएगा, वही भीख मांगना, वही फूल सेल करना, तो उनके लिए कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं है कि वो एक बेहतर जिंदगी में आ सके, फ्यूचर प्लानिंग कोई है? फ्यूचर प्लानिंग है तालीम के साथ किसी भी इदारे में, अगर एजुकेशन की बात करें, जो मैं अपने इदारे की बात करता हूँ, तो तरबियत का भी सिलसिला कंटिन्यू जा रही है। जब तक अगर तरबियत नहीं होगी ना, उस तालीम का मकसद ही पूरा नहीं होता। सही सही बात, तरबियत में सच बोलना, साफ सुथरा रहना, अपने आप को हाइजेनिक रहना, जैसे ये बच्चे स्ट्रीट पे होते हैं तो इनके नेल्स गंदे हैं, हम जब इनको स्विमिंग क्लासेस के लिए ऑफर कर रहे थे, सबसे बड़ा चैलेंज आया जी कि जो हमारे पास मॉर्निंग के बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं, वो तो ऑब्जेक्शंस करेंगे कि ये हाइजेनिक नहीं है बच्चे, तो इनको हमने इंसेंटिव दिए, बच्चों को बताया देखो अगर आपने स्विमिंग करनी है सबसे पहले अपने नेल्स कट करने, फिर जो हमारे पास टीचर्स हैं उन्होंने नेल्स काट के इनको बताए, आप अगर वीडियोस देखेंगे, आप कभी वो करेंगे तो उनके नेल्स ऐसे ही क्लीन होते हैं जैसे मॉर्निंग के बच्चों के लिए होते हैं, और ये नहा के शावर लेके आते हैं, फिर वहां पर भी शावर का इंतजाम है, इनको बताया जाता है किस तरह शावर लिया जाता है, किस तरह हाइजेनिक पे काम किया जाता है। सही सही। इस तरह तरबियत का सिलसिला जब तक नहीं साथ साथ रहेगा, तालीम का कोई फायदा नहीं है। तो इनको हम लेके चलते हैं, फिर शऊर जब आ जाएगा इनके अंदर, अब ये सोच रहे हैं हमें मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, इनको इंसेंटिव मिल गया कि अगर हम अपने अच्छा पढ़ते रहेंगे तो हम मॉर्निंग में आ जाएंगे, सही बात, तो एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होगा इनके पास कि प्राइवेट स्कूल में जो
मॉर्निंग में बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ आ जाएं। सही। तो मैं आपको बताया ना, तरबियत का सिलसिला कंटिन्यू जारी है और माशाल्लाह उस पे काम हो रहा है हमारे टीचर्स का। यकीन करें आप बड़ा अच्छा काम करें, क्योंकि स्ट्रीट चिल्ड्रंस पे फोकस ना करना एक यूं कहें कि इंतहा पसंदों को या दहशत गर्दों को जन्म देना है, क्योंकि हद से ज्यादा महरूमियां बढ़ जाएं तो फिर इंसान जो है वो अपना आपा खो देता है। तो यही बच्चे ड्रग्स की आदत में पड़ जाते हैं, यही बच्चे छोटी छोटी अमाउंट्स के लिए चोरी चकारी भी करते होंगे, यही बच्चे आजकल बच्चे ले रहे हैं। अच्छी बात है कि मुल्क के लिए अच्छे शहरी साबित होंगे। तो ये एज अ बिजनेसमैन हम लोग की जिम्मेदारी है, एज अ एजुकेशनिस्ट हमारी जिम्मेदारी है, एज अ मीडिया पर्सन आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। आपने पास कब कोई बच्चे हो ऑफर करें, हम पिक एंड ड्रॉप से लेके हम जरूर आपको सजेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू। आखिरी लम्हा इनको मैसेज देना चाहिए। असो जो टीचर्स असके स्टेक होल्डर्स एजुकेशन से रिलेटेड तो उनके पांच जिम्मेदारी इजाजत भी कलम छी अमारी दिल में पंजी जाहिर उम्मीदें सुभाने है थी बखेरनी प्रोग्राम में वरी अमां जी ऐसा जी मुलाकात थी दी तसी तई पांचो पंज प्यारन जो दिलवारन जो घरवारन जो बारन जो एवन जो ख्याल रखो जिन ख्याल रखन वालों केर भी को सदाई गडो अल्लाह वही ए जी लतीफ जी मिठी बोली सदा जी खान साहब बाबा अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो, प्यार के बोल तो होंठों से निकल जाते हैं, अपने तेवर तो संभालो के कोई ये न कहे, दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मिला है तो ये एहसास जज्बात में नगमात रच
बचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे। मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं। मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे प्यार का मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम शोज़ दिसो HD क्वालिटी में विजिट करियो असान जो YouTube चैनल सिंध टीवी HD।